19 वर्षों से कांग्रेस हाईकमान पर लगातार बना रहा हुड्डा का दबाव। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ती रही। जी हाँ, पिछले करीब 19 वर्षों से हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं। वे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी लगातार उनका ही वर्चस्व रहा। 2007 से 2014 तक हुड्डा के भरोसेमंद फूलचंद मुलाना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद अप्रैल 2022 में हुड्डा ने ही दबाव की रणनीति बनाते हुए कुमारी शैलजा की जगह उदय भान को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पहले हुड्डा के दबाव के बाद ही दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ती चली गई और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर नीचे आता रहा। 2005 में कांग्रेस ने 42.46% वोट के साथ 67 सीटों पर जीत हासिल की। 2009 में कांग्रेस ने 35.08% वोटों के साथ 40 विधायक चुन कर आए। 2014 में कांग्रेस को महज 15 सीटों पर जीत मिली और उसका वोट बैंक भी 20.58% ही रहा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 28% वोटों के साथ 31 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। अब इस चुनाव में भी कांग्रेस को 39.9% वोट के साथ 37 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस के हाथ से इस बार दलित वोट भी छिटक गया। इसकी मुख्य वजह रही कि भाजपा ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया और खामोशी साधे रहे। इसका नतीजा ये रहा, लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट कांग्रेस को मिला था वह भी कांग्रेस के हाथ से निकलकर भाजपा के साथ चला गया और भाजपा इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही। कांग्रेस में संगठन का ना होना रहा कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण। आपको बता दें कि 2014 के बाद कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना सकी। इसकी सबसे प्रमुख वजह भी गुटबाजी रही। जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष न होने के कारण भी कांग्रेस बूथ स्तर पर मतदाता तक पहुंच ना बना सकी। 2014 से 2019 तक अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 से अप्रैल 2022 तक कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही। वर्तमान में उदय भान प्रदेश अध्यक्ष है। तंवर, शैलजा, उदय भान तीनों ही संगठन नहीं बना पाए। शैलजा तो खुद भी ये स्पष्ट कह चुकी है कि अगर कांग्रेस का संगठन होता तो कांग्रेस और अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। अनेक बार जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की सूची तैयार की गई, गुड़बाजी के चलते फिर भी हाईकमान इसे जारी नहीं कर सका। इस दौरान जितने भी नेताओं को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया उन्होंने भी संगठन बनाने को लेकर खूब प्रयास किए और सभी नेताओं को एकजुट करने की पहल की, मगर कोई भी प्रभारी ना तो कांग्रेस में एकजुटता ला पाया और ना ही पार्टी का संगठन बन पाया।